स्पिन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। येदुरप्पा के कैबिनेट विस्तार के बाद से सूबे में सियासी हलचल तेज है। कई नए बने मंत्री विभागों के आवंटन से खुश नहीं है। दूसरी ओर असंतुष्ट विधायकों का एक गुट सीएम येदुरप्पा के खिलाफ बैठकें कर रहा है। इस बीच चिकमंगलूर के एक रिजॉर्ट में मंत्री रमेश जारकीहोली की कुछ दूसरे मंत्री और विधायकों से मुलाकात हुई। इसके बाद से कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा तेज हो गई है। मंत्री रमेश जारकीहोली ने नाराज बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान जो मंत्री अपने पोर्टफोलियो से नाखुश हैं, वो भी मौजूद थे। इनमें सुधाकर, योगेश्वर, गोपालैया और शंकर जैसे नेताओं का नाम शामिल है। मालूम हो कि कैबिनेट विस्तार के बाद से सीएम येदुरप्पा को अपने ही विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के करीब 15 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी होते जा रहे हैं। ये विधायक एक दूसरे के संपर्क में हैं। अब तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि बीएस येदुरप्पा ने 13 जनवरी को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और इसमें 7 नए चेहरों को जगह दी गई है। नाराज बीजेपी विधायकों का कहना है कि कैबिनेट में वैसे लोगों को जगह दी गई है जो पहले से ही सत्ता का सुख भोगते आए हैं। इन्हें मंत्री बनाने के लिए तय किया गया पैमाना गलत है। बताया जा रहा है कि जिन कांग्रेस और जेडीएस विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार गिराई थी, उन्हीं में से कुछ अब बीजेपी के टिकट पर जीत कर येदुरप्पा की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी के कुछ विधायकों ने खुली बगावत कर दी है। पार्टी के विधायक बसन गौड़ा यतनाल ने सीएम येदुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि येदुरप्पा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसे देता है, उसे मंत्री बना दिया जाता है। बता दें कि कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बीच ही कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। ऐसे में मौजूदा येदुरप्पा सरकार पहले से ही एक्टिव हो सकती है। फिलहाल तेज होती सियासी हलचल के बीच बीजेपी की ओर से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।